रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये एक छोटी सी गेम किस तरह से मैंने फाइनलाइज़ की है और इसके सारी जो चीज़ें हैं इन एंड आउट्स वो आपके सामने शेयर करूंगा। आल्तो के कुछ इंटरेक्टिविटीज़ वगैरह मैंने अभी भी ऐड करनी है इस गेम में, लेकिन मेन स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उसकी वजह यह है कि जितने भी न्यू बीज आते हैं इस फील्ड में उनके साथ अक्सर ही प्रॉब्लम होता है कि उनको पार्टिकुलर चीज़ करने का तरीका तो आता है, लेकिन वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। और तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, होपफुली आपके काम आएगी। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मेरे एसेट्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट मैंने 2D फॉरेस्ट पैक एक एसेट जो है वो यूज़ किया है फॉर 2D लेवल डिज़ाइन। और इसके अंदर आप देखें कि डिफरेंट किस्म की प्रीफैब्स वगैरह हैं और इसी तरह से 2D ग्रेवयार्ड एक एसेट है, इसके अंदर डिफरेंट प्रीफैब्स हैं और इससे एक लेवल डिज़ाइन किया है। और इसी तरह से एक और है 2D केव्स के नाम से एक पैक है जिसके अंदर डिफरेंट प्रीफैब्स हैं और उनसे भी मैंने लेवल डिज़ाइन किया है। तो इस ये हम मैंने एसेट्स यूज़ किए हैं फॉर लेवल डिज़ाइंस, और आप अपने एसेट्स भी बना सकते हैं और आपको एसेट्स भी मिल जाएंगे। तो उससे सबसे पहले हमने लेवल डिज़ाइन कर लेना होता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक व्यू दे देता हूँ कि हमारी गेम किस तरह अभी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मेन मेन्यू है और बटन एनिमेशंस आपको नज़र आ रही हैं, और ये मैंने आपको बताया था कैसे आप ऐड करते हैं। और इस तरह से प्ले पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट लेवल एक मेन्यू है, और यहाँ पे जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास करेक्टर्स आ जाते हैं और फिर हम कोई भी करेक्टर चूज़ कर सकते हैं। और ये लोड होगी गेम और हम चले जाएंगे यहाँ पर सीन पर, और सीन पे जाने के बाद हम ज़ोंबी को जो है वो फायर करते हैं और 3 फायर्स के बाद हमारी ज़ोंबी जो है वो किल हो जाती है। इसी तरह काइंस वगैरह हैं, हेल्थ जो है वो डैमेज होती है यहाँ से, और जब भी हम इसके साथ कोलाइड करेंगे तो हेल्थ डैमेज होगी। कॉइंस कलेक्ट करते हैं, स्टार्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर बता चुका हूँ। और फिर ये लॉस्ट जब हम हो जाते हैं तो ये एक मेन्यू आ जाता है, गेम पास हो जाती है और हम क्विट भी कर सकते हैं और रीट्राई भी कर सकते हैं, और रीट्राई हमें मेन मेन्यू पे ले जाता है। अब देखिए कि इसके अंदर हमारा जो मेन मेन्यू है इसके अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, अब लेवल सेलेक्ट के लिए एक सिंपल मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया है यहाँ पर। और ये देखिए मेन मेन्यू को हम क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे आप देखिए लेवल सेलेक्ट, और यहाँ पे सिंपल मैंने ये 4 बटन्स ऐड किए हैं, और ये 4 बटन्स जो हैं वो आपको फिर सब मेन्यूज़ पे ले जाते हैं। ओके, तो जो सब मेन्यूज़ हैं उनको किस तरीके से हमने ऐड किया है इस तरह से, और इसके अंदर हमने फिर मज़ीद 3 बटन्स डाले हैं सेलेक्ट प्लेयर के। और बहुत सिंपली यानी मैंने इसका प्रोसेस रखा है, और उसकी वजह यह है कि जब हम थोड़ा सिलेक्शन प्लेयर सिलेक्शन वाले एडवांस टूल चूज़ करते हैं तो उनके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, और जब हमारा लेवल लोड होता है तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हमारी नहीं रहती। तो इसमें देखिए कि अल्टरनेटिव मेथड हमने यूज़ किया है और बटन्स ऐड किए हैं, और हर बटन पर फिर हमने एक जो है वो स्क्रिप्ट ऐड की है यहाँ पर, और जो कि है लेवल लोडर स्क्रिप्ट हमने बटन के ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और लेवल लोडर स्क्रिप्ट वगैरह भी अभी हम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आप देखिए कि ये हमने मेन मेन्यू का स्ट्रक्चर रखा है, सिंपली मेन मेन्यू हमने बनाया है, बैकग्राउंड वगैरह ये तो सिंपल आपको पता है बटन्स हैं, और इसके बाद फिर डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, और इसके साथ साथ लोडिंग स्क्रीन भी एक बनाई है और जिसके अंदर ये हमारी लोडिंग बार है जो कि लोड हर सीन जब भी हम लोड करते हैं तो ये लोडिंग बार जो है वो 100% कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे हम कैनवस जो है, चूँकि ये मोबाइल गेम है तो कैनवस को
हमने जो है स्क्रीन स्केल विद स्क्रीन साइज रखा है और 12 इन 18 इंटू 720 इसकी विड्थ और हाइट रखी है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं जी सीन्स का स्ट्रक्चर। तो सीन्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम फाइल बिल्ड सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये सीन्स हैं और ये इनके इंडेक्स नंबर आ रहे हैं जो कि हमने बटन्स पे दिए थे करेक्टर्स के ये वाला सीन जो है ये वाली इंडेक्स लोड हो जाना चाहिए जब वो किसी एक बटन पे क्लिक करे। तो यहाँ पे सीन्स आप देख लीजिए, मेन मेन्यू सीन है। इसके बाद मैंने क्या किया है कि लेवल वन के टोटल 4 लेवल्स हैं हमारी गेम में, और लेवल वन फॉर फनी करेक्टर अलग से एक सीन बनाया है, और यही वाला सीन जो है उसको डुप्लीकेट किया है, और लेवल वन गर्ल और फिर इसके अंदर प्लेयर जो है वो चेंज कर दिया है एज ए गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये लेवल वन फनी सीन है, तो ये फनी करेक्टर है जो कि इस तरह प्ले होता है। और अगर हम सी को लेवल वन सॉरी गर्ल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम लेवल है विद न्यू करेक्टर गर्ल। ओके, तो इस तरह से जो है जी ये सीन्स का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से मैंने लेवल टू के साथ किया है। लेवल टू भी आप देखें ये डिफरेंट एक इन्वायरमेंट है, और ये डिफरेंट स्प्राइट्स से मैंने तैयार की है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने रेडी की हैं विद दिस दिस टूल। ओके, तो ये आप इन टूल्स को यूज़ करके या अपने सरप्राइज बना के भी आप कर सकते हैं, इस तरह के लेवल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से लेवल 3 भी आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि लेवल्स किस तरह से है उनका आ रहा है स्ट्रक्चर, और ये इस तरीके से ये थर्ड लेवल है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अभी बहुत सारी और भी इनोवेशन्स लानी हैं, जस्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो आपको मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। तो ये आप देखिए ये लास्ट लेवल है, ग्रेवयार्ड टाइप का स्टाइल है इसके अंदर, और ये जो है ये भी हमने डिफरेंट एसेट्स से रेडी किया है। इसके साथ साथ गेम में आप देखिए हेल्थ बार है ये है, और ये पाज मेन्यू हमने ऐड किया है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो गेम रुक जाती है और पाज मेन्यू ओपन हो जाता है, और फिर हम क्विट भी कर सकते हैं गेम, और अगर इस पर क्लिक करें तो दोबारा से रिज्यूम हो जाती है गेम। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब आपको मैं बताता हूँ इन स्क्रिप्ट। तो ये देखिए कि ये इस तरीके से सिंपली हमने अपना जो मेन मकसद था वो अचीव कर लिया। और अब हम कुछ स्क्रिप्ट्स की तरफ आते हैं, और स्क्रिप्ट्स क्या हैं, सिंपल स्क्रिप्ट्स हैं और होपफुली आपको बहुत ही आसान लगेंगे। बिल्कुल आसान स्क्रिप्ट्स मैंने रखी हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि हम आ जाते हैं गेम ओवर स्क्रिप्ट में। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं जी कि एक ऑब्जेक्ट है गेम ओवर, एक है बैकग्राउंड साउंड, ये हमने पब्लिक ऑब्जेक्ट्स पिक किए हैं। और फिर हमने कहा है कि अगर हमारी जो हेल्थ बार में हेल्थ है, यानी हेल्थ बार जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, उसके अंदर ये जो हेल्थ है हमारे पास ये अगर हो जाती है लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या हो जाए, हमारा बैकग्राउंड साउंड ख़त्म हो जाए और एक नया गेम अवर पॉपअप जो है वो एक्टिव हो जाए और टाइम जो है वो रुक जाए, टाइम स्केल इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी स्क्रिप्ट है। तो इसको हमने ऐड कैसे किया है, गेम ओवर यहाँ पे एक हमने बनाया है गेम ओवर गेम ऑब्जेक्ट, और उसके साथ स्क्रिप्ट को ऐड किया है, और फिर यहाँ पे पॉपअप ऐड कर दिया है और बैकग्राउंड साउंड की ऑडियो जो है वो ऐड कर दी है। वेरी सिंपल। इसी तरह से हमारे पास पाज मेन्यू है, और पाज मेन्यू के ऊपर पाज मेन्यू स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे पाज मेन्यू पॉपअप जो है हमने ऐड किया है। और पाज मेन्यू क्या है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम आते हैं पाज मेन्यू को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने पब्लिक वाइड पास बटन क्लिक एक क्रिएट किया है। उस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए जी, ये वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है इसको एक्टिव हो जाना चाहिए और टाइम को रुक जाना चाहिए। अब उस पास मेन्यू के ऊपर एक बटन है जिसमें हमने दूसरा फंक्शन ऐड कर दिया है, और हमने कहा है कि ये दोबारा से जो है वो फॉल्स हो जाए हमारा पॉपअप, और टाइम जो है वो दोबारा से रन हो जाए। तो वेरी सिंपल।
इसके बाद विन स्क्रिप्ट है, इसको हमने क्या किया है कि एक इसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक ऑडियो, एक बैकग्राउंड साउंड और विन पॉपअप। तो इसमें हमने क्या किया है कि विन जब ये कोलिजन होगी हमारी लास्ट में, जब हमारा स्टेज एंड होता है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमने लास्ट में एक रखा है ये बॉक्स, इस तरह का ट्रायर बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर अब क्या है कि इसके साथ हमने अटैच कर दिया स्क्रिप्ट, विन स्क्रिप्ट, और उसके अंदर क्या है कि जब इसके साथ इंटर होगा हमारा प्लेयर, तो हमारा विन पॉपअप एक्टिव हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा, ऑडियो प्ले हो जाएगी, और दैट्स इट। वेरी सिंपल स्क्रिप्ट। और इसके अंदर अब और क्या है जी हमारे पास कि हमने आइटम काउंटर स्क्रिप्ट है, और ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है लास्ट वीडियोस में, इसके अंदर हमने डायमंड वगैरह की कॉइन्स की कलेक्शन की थी। और फिर हमारे पास है जी एक और स्क्रिप्ट, डैमेज स्क्रिप्ट, और ये भी हमने मैंने शेयर की हुई है इस कोर्स में, और इसके अंदर हम हेल्थ को माइनस कर रहे हैं 10F के साथ। और इसी तरह हेल्थ पोशन भी हमने शेयर की थी वीडियो में, और ये ऑलरेडी इस पे वीडियो मौजूद है, और अटैक भी मौजूद है, लेवल लोडर। अब ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये भी शेयर की मैंने आपके साथ पहले, तो ये जो है ये वो वाला वाली स्क्रिप्ट है जो हमारे लेवल्स को लोड करवाती है, और लोडिंग स्क्रीन आती है हर लेवल लोड से पहले, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सीन मैनेजमेंट को इंक्लूड किया है और यूआई को, और फिर उसके अंदर ये वाला कोड है। मैंने लेवल इस पे एक वीडियो बनाई थी कुछ पुरानी सीरीज़ में, तो वो आप देख सकते हैं। एनी हाउ कोड आपके सामने, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बटन्स स्क्रिप्ट्स हैं, और इनके अंदर हमने सिंपल डिफरेंट लेवल्स पे हमने लोड करवाए हैं बटन्स। ओके, तो ये भी बहुत आसान है। क्विट बटन के लिए हमने एप्लीकेशन डॉट क्विट को इनेबल किया है। इसके अलावा जूम्बी की स्क्रिप्ट भी आप मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, और ये हमने कुछ वीडियोस में बनाई थी पहले। और इस जूम्बी के साथ डायरेक्शन स्क्रिप्ट भी हमने एआई पाथ वाली जो बर्ड बनाई थी, तो उसके अंदर ये वाली हमने यूज़ की थी फॉर डायरेक्शन ऑफ बर्ड्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिस्ट्रॉय बुलेट, तो ये एक स्क्रिप्ट है जो कि मैंने बुलेट के ऊपर ऐड की है, जिसमें क्या है कि अगर हमारी बुलेट टकराती है ज़ोंबी टैग के एनिमी के साथ, तो हमारी बुलेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। तो वेरी सिंपल। इसके बाद हमने ज़ोंबी के लिए मैंने एक हेल्थ स्क्रिप्ट लिखी है, और इसको ज़ोंबीज़ के ऊपर ऐड किया है। तो इसमें क्या है कि हमने ज़ोंबीज़ को हेल्थ दी है 100F, और हमने कहा है जी कि ये ऑडियो सोर्स, और हमने कहा है कि इंटर ट्रिगर, जब ये जो ज़ोंबी है ये ट्रिगर करती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ जिसकी टैग बुलेट है, ठीक है। तो बुलेट जो थी उस पे मैंने टैग दे दी है बुलेट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीफिक्स हैं, और ये बुलेट है, तो बुलेट पे हमने टैग दे दी बुलेट, ठीक है। तो अब ये जो बुलेट थी इस पे हमने कैप्सूल कोलाइडर भी ऐड कर लिया, और इसको ट्रिगर भी कर दिया। तो अब ये जब बुलेट जो है वो हमारे एनिमी से टकराएगी, तो हमारे एनिमी की हेल्थ जो है वो 30F जो है वो डिक्रीज होगी, और ऑडियो भी प्ले हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा एनिमी जब उसकी हेल्थ जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, या 0 से कम। तो बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है फॉर ज़ोंबी हेल्थ। तो बिल्कुल सिंपली मैंने ये मेथड रखा है, और आपको दिखाने के लिए ही बहुत सिंपली चीज़ें यूज़ की हैं, ताकि आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और आप ये देख सकें कि किसी को भी गेम को कंप्लीट करना आसान होता है सिंपली सिंपल सिंपल फंक्शन से। सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए लॉजिक्स का, और जब तक आप करेंगे नहीं कोई चीज़ तो वो होती नहीं है, तो ट्राई किया करें, तो फिर आपको आइडियाज़ खुद बहुत आ जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप प्रीफैब्स देख सकते हैं, तो मैंने जितनी भी ये प्रीफैब्स हैं जो स्टार कॉइन्स वगैरह की, तो ये मैंने पहले बना ली हैं हेल्थ पोशन वगैरह और इस तरह पार्टिकल्स वगैरह, और फिर इनको रीयूज़ किया है डिफरेंट लेवल्स में। इसी तरह से प्लेयर्स की प्रीफैब्स भी बना ली और इनको भी रीयूज़ किया, और फिर
जो है वो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट। अब देखिए कि एक लेवल है तो इसके अंदर ये वाले गेम अवर जो है गेम ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहा है, इसके अलावा पार्स मेन्यू स्क्रिप्ट यूज़ होती है, तो ये सब लेवल्स में यूज़ हो रही हैं चीज़ें कुछ। तो इनकी प्रीफैब्स बना ली हैं और फिर इनको ड्रैग ड्रॉप करके हमने यूज़ कर लिया है इन डिफरेंट लेवल्स। तो इसी तरह एनिमीज में एक ही एनिमी बनाया है और बाकी जो है वो स्कल जो था उसके ऊपर जो है मैंने डिस्ट्रॉय ये डैमेज स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करती है। तो इससे गेम के अंदर अभी मैं और भी काम करूँगा और कुछ और एनिमीज़ वगैरह ऐड होंगे, थोड़ी इंट्रेक्शंस होंगी, पार्टिकल्स इफेक्ट्स वगैरह भी दूंगा, लेकिन आपके साथ ये शेयर करना था कि ये किस तरीके से ये स्ट्रक्चर हुआ और सिंपली हमने गेम जो थी उसका बेसिक वर्क फ्लो जो था वो रेडी कर लिया। तो लास्ट थिंग है जी इसको जो है आपके साथ, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं और अब हम देखते हैं कि हम इसको अब बिल्ड करते हैं इस गेम को। तो फॉर एंड्रॉयड हम बिल्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे लेवल्स वगैरह ऐड हैं, प्लेटफॉर्म भी ऐड है और अब हम प्लेयर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंपनी का नेम देंगे, उसके बाद गेम का नेम देंगे, आइकन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आइकन ऐड किया। इसके अलावा हमारे पास रेजोल्यूशंस हैं तो रेजोल्यूशन के अंदर हमने ऑटो रोटेशन रखी है और साथ में जो है हमने लैंडस्केप को एक्टिव कर दिया है, तो ये पोर्ट्रेट में अब गेम रन नहीं होगी, लैंडस्केप में सिर्फ रन होगी। इसके अलावा आइकन्स हैं, ये आइकन वही वाला यहाँ से पिक कर लेता है। इसके बाद हमारे पास स्प्लैश इमेजेस हैं, तो यहाँ पे मैंने लोगो यूनिटी का सबसे पहले चलाया है, उसके बाद ये वाली इमेज है लोगो ड्यूरेशन और ये लास्ट वन जो है ये सेम ही है एक्चुअली, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको हम 3 कर लेते हैं और बस सिंपली ये दो इमेजेस हैं। तो ये रन होंगी जब गेम रन होगी तो उससे पहले। तो उसके बाद अदर सेटिंग्स हैं और अदर सेटिंग्स के अंदर हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पैकेज नेम होता है, इसमें डेवलपर का नाम, कंपनी और फिर आपका प्रोडक्ट का नाम, तो ये आपने दे देना है। बंडल ये जो वर्जन होता है गेम का वर्जन कौन सा है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1.1 है आप 1.2 कर लें, जो भी वर्जन होगा आप रखना चाहें। इसी तरह से वर्जन कोड आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एपीआई लेवल इसका जो सिलेक्टेड है वो ठीक है, 19 पे ही रहने दें। और इसके अलावा फिर हम नीचे आ जाते हैं पब्लिशिंग सेटिंग्स में और यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है वो होती है आपकी की स्टोर। तो मैंने एक की स्टोर ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप फर्स्ट टाइम उसको यहाँ पे बना लेंगे, फॉर एग्जांपल न्यू, और इसको ओपन करेंगे तो ये एक नया की स्टोर बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ज़ोंबी शूटर और फिर हम यहाँ पे उसका जो भी पासवर्ड आपने लिखा है वो आप दे देंगे और यहाँ भी दे देते हैं 1 2 3 और दैट्स इट जी। अब हम अपनी गेम को बिल्ड कर सकते हैं और बिल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ये पहले टेस्ट बिल्ड्स भी की हुई थी तो इनको मेरे ख्याल से मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ये हमें नहीं चाहिए। और अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ज़ोंबी शूटर और दैट्स इट। इसको आप सेव करेंगे तो हमारी गेम जो है बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।